नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं, सबसे पहले उन्हें अपना नाम और आप कहाँ के रहने वाले हैं ये बता दीजिए। निकल नाम है मेरा, पलोत्ता का रहने वाला हूँ। जी, जो महिंद्रा का 265 DI खड़ा हुआ है, इसे आप कब से चला रहे हैं सबसे पहले तो ये बताइए। 2011 से चला रहे हैं। 2011 से क्या एक्सपीरियंस रहा इस ट्रैक्टर के साथ आपका? मस्त रहा हमारा तो बिल्कुल, मतलब कोई कमी आई हो ट्रैक्टर में अभी तक? अभी तक तो हमारा कोई इंजन ही नहीं खुला इसका, रोज की 100 किलोमीटर पर डे चल रहा। 100 किलोमीटर डेली चल रहा, तो मतलब कोई दिक्कत परेशानी कहीं से कहीं तक नहीं आती ट्रैक्टर की? अब उससे पहले कौन कौन से आपने ट्रैक्टर चलाए थे? एस्कॉर्ट चलाया। एस्कॉर्ट में और इसमें क्या फर्क लगा पहले बताइए? एस्कॉर्ट की तो चाल धीमी थी। अच्छा, चाल धीमी थी और जैसे लोड पड़ा तेल भी ज्यादा खा गया। और इसकी बात करें तो न्यूनतम है, मतलब लोड पर भी वैसे भी सब चीज में क्या एवरेज देता है लगभग? 3 लीटर घंटा का। 3 लीटर घंटे का देता। किस किस चीज पे आप चलाते हैं ट्रैक्टर को? हैरो पे, टीलर पे, लेजर पे, ट्रोली पे। तो 6 फुटा रूटर है। 6 फुटा रूटर, 6 फुटा रूटर चला लेता आराम से? जब बहुत से ट्रैक्टर दबने लगते हैं ऐसे दबता हो 6 फुटा आराम से, बिल्कुल मक्खन की तरह, कोई दिक्कत परेशानी कहीं से कहीं। और बात करें क्या क्या बेहतरीन चीज आपको इसमें लगी कि सबसे अलग है इस ट्रैक्टर में, और भी ट्रैक्टर चलाए हों जैसे? हाँ, एक तो इसका यू है कि मेंटेनेंस बहुत बढ़िया। मेंटेनेंस बात करें सर्विस की तो लगभग कितने में इसकी सर्विस हो जाती है? 3000 रुपये। 3000 रुपये में इसकी सर्विस हो जाती है। एजेंसी से कराते हैं कि बाहर से? अब तो बाहर ही करवा रहा हूँ। बाहर ही कराए तो आराम से हो जाती है 3000 रुपये। और किसी चीज़ पे जैसे टीलर वगैरह पे ट्रैक्टर थोड़ा बहुत दबने लगता है, इस टाइप से फील कराता हो? अगर ज़्यादा लोड गिरेंगे थोड़ा बहुत तो दबेगा ही। अच्छा, थोड़ा बहुत दब जाता है अगर ज़्यादा लोड गिरते हैं? वैसे कोई दिक्कत परेशानी ट्रैक्टर को? कितना कितना लोड जैसे इस टाइम गन्ने पे ट्रैक्टर? अब जो मेरे हिसाब से 60 क्विंटल लोड है। 60 क्विंटल लोड है, आराम से ले जाता है 60 क्विंटल लोड। भरे हुए खेत में लाया काट के, बारिश ना हुई रात। हाँ जी बिल्कुल, तो उसमें लाया खेच के अंदर से, तो ट्रैक्टर में दम नहीं थोड़ा बिल्कुल भी, मक्खन की तरह लेगा इसे बिल्कुल आराम से। और कुछ हटके बात लगी हो सब ट्रैक्टरों से? हटके तो मैं आपका सबसे बढ़िया है, एक तो एवरेज बढ़िया, मेंटेनेंस कुछ नहीं, चले बढ़िया। कमी आई हो ट्रैक्टर में? छोटी मोटी कमी तो आई जाती है, कोई आई हो ऐसी? ना, कभी चल पहले पे कमी आवे ऐसा कोई कमी नहीं, ऐसा कोई कमी नहीं आई। पूरे संतुष्ट हैं ट्रैक्टर के साथ? संतुष्ट हैं पैसे के साथ। जैसे आप कितने कितने घंटे लगातार ट्रैक्टर चलाते हैं? बाजी दिन तो 12-12 घंटा भी हो जाओ। तो सीट कैसी है, सीट पे बैठने में कैसा? आरामदायक है। आरामदायक है बिल्कुल। जैसे गाड़ी की सीट ऐसा होती है कुछ, या आप थोड़ा थक जाते हो? ना, थोड़ा 12 घंटा चलाएंगे थकेंगे। और सब कुछ बढ़िया ट्रैक्टर? मस्त। अपनी रात वगैरह में भी ट्रैक्टर चलाया जी कभी? 6-6 घंटा। तो लाइट कैसी है ट्रैक्टर की, कैसा काम करती है लाइट? लाइट तो यार की बढ़िया, लेकिन अब खराब हो रही है। अच्छा, अब खराब हो रही है, वैसे बढ़िया सब? हाँ, एक लाइट खराब हो रही है इसकी। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा जब कंपनी से कराई? बस था ठीक। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान भाई को इतनी अच्छी जानकारी महिंद्रा 265 के बारे में दी। जी सर।